नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेवन. क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोला गया? पैराबोला एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर विथ ए जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन एज शोन इन द फिगर. ये जो कि फिगर यहाँ पर देखिए बना गया है वाई एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जो कि पैराबोला, ये क्या है आपका पैराबोला है जो कि इसका इक्वेशन आपको गिवन है. क्या गिवन है? एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. और जो कि एक्स का वैल्यू लाई कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? जीरो टू वन, जो कि यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में. द वैल्यूम ऑप्टेन बाय द सॉलिड ऑफ रोटेशन, जो कि देखिए यहाँ पर जो टॉपिक आपको पूछा गया, ये क्वेश्चन आपको सॉलिड ऑफ रोटेशन से, वैल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रोटेशन से जो कि ये क्वेश्चन आपको लिया गया है. टॉपिक का नाम क्या है? वैल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रोटेशन. तो आपको फाइंड क्या करना है? द शेडेड एरिया ऑफ 360 डिग्री अराउंड द एक्स एक्सिस. मतलब कि पैराबोला का इक्वेशन जो कि गिवन है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स का वैल्यू लाई कर रहा है जीरो टू वन के लिए, तो वैल्यूम फाइंड करना है आपको, इसका वैल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है आफ्टर रोटेशन. रोटेशन कैसे करना है? रोटेशन द शेडेड एरिया ऑफ 360 डिग्री, मतलब कि ये जो एरिया है, लेट से दिस इज द शेडेड एरिया, ये जो कि आपको इस तरह से शेडेड किया गया है, ये कैसा आपका एक शेडेड एरिया है, तो इस शेडेड एरिया का आपको वैल्यूम फाइंड करना है आफ्टर रोटेशन ऑफ 360 डिग्री. तो इस वैल्यूम को अगर आप रोटेशन रोटेट करोगे 360 डिग्री अराउंड द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अराउंड अगर आप इसके इसे आप रोटेट करोगे तो इसका वैल्यूम फाइंड करना है. तो हमें इसका वैल्यूम कैसे मिलेगा? तो वैल्यूम ऑफ रोटेशन का जो कि फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है वैल्यूम ऑफ रोटेशन का? दैट इज इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स. क्यों हम लोग ने डी एक्स लिया? क्योंकि यहां पर हमें एक्स एक्सिस के थ्रू इसे रोटेट करना था अराउंड 360 डिग्री. इस देखिए ये जो वैल्यूम आपको गिवन है, ये जो कि शेडेड एरिया गिवन है, इसे हमें रोटेट करना है अराउंड दी एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और यहां पर पाई वाई स्क्वायर लिखेंगे. राइट है, वाई स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर हमें एक्स एक्सिस के रोटेट करना था, तो यहां पर वाई स्क्वायर हो जाएगा और एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेट करना है 360 डिग्री, देयरफॉर यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स आएगा. अगर वही यहां पर अगर बोला होता वाई एक्सिस के थ्रू रोटेट करना है 360 डिग्री, तो यहां पर जो इंटीग्रेशन करना रहता था यहां पर डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना रहता था, जो कि गेट 2019 जो कि अभी फिलहाल कल एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन आपको ये है. देखिए जो भी क्वेश्चन मुझे मिल रहा है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, और जो क्वेश्चन अगर छूटा हुआ रहेगा जब भी गेट के ऑफिशियल वेबसाइट में जब भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो वहां से लेकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे. तो नाउ यहाँ पर देखिए पाई वाई स्क्वायर हो गया, और जो कि सीएस इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल इंजीनियरिंग का जो भी अभी तक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उससे रिलेटेड भी हम लोग लेक्चर में सॉल्व करेंगे जब भी क्वेश्चन पेपर मुझे मिलेगा यहाँ पर तब. तो यहाँ पर देखिए इससे अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी, तो ए टू बी के लिए इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट यहाँ पर देखिए गिवन है, एक्स का लिमिट जो कि जीरो टू वन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो टू वन के लिए हो जाएगा, और नाउ ये हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स. समझ में आया वॉल्यूम ऑफ रोटेशन का जो कि ये फॉर्मूला है आपको याद रखना है. खाली आपको ये देखना है कि आपको जो एरिया है जो शेडेड एरिया उसको रोटेट किस तरह से किया, अराउंड द एक्स एक्सिस किया गया अदरवाइज अराउंड द वाई एक्सिस. अगर अराउंड द एक्स एक्सिस अगर ये रोटेट कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेशन होगा. अराउंड द वाई एक्सिस अगर होगा तो ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे. तो यहां पर अराउंड द एक्स एक्सिस था इसलिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा. तो यहां से हमें पता है वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर का वैल्यू दैट इज जीरो टू वन पाई वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज एक्स गिवन है, तो यहां से हो जाएगा एक्स डी एक्स. तो यहां से पाई क्या है? कॉन्स्टेंट है जो कि कॉमन हो जाएगा, और एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर बाय टू, और लिमिट गिवन है आपको जीरो टू वन. नाउ हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे लिमिट को, तो यहां से हो जाएगा पाई बाय टू, और वन का वन माइनस जीरो दैट इज यहां से आंसर जो मिलेगा वो आंसर मिलेगा पाई बाय टू. तो यहां से आई होप कि आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन ईजी था जो कि सिर्फ आपको फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ रोटेशन. तो वॉल्यूम ऑफ रोटेशन का वैल्यू जो मिलेगा यहां से मिलेगा पाई बाय टू. तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जो कि क्वेश्चन आपको पूछा गया था गेट 2019 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. एक बात खाली यही याद रखना, जब भी रोटेशन आपको किस तरह से किया गया वो आपको देखना, अगर ऑन द वाई एक्सिस करना रहता था तो यहां पर एक्स हो जाता था और वी विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई के रिस्पेक्ट में करते थे, कब? जब भी वाई एक्सिस के थ्रू रोटेट करते थे. तो यहां पर बट बोला गया एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेट करना, तो यहां पर हो जाएगा डी एक्स और यहां पर हो जाएगा एक्स, यहां पर हो जाएगा वाई. तो यहां पर इंटीग्रेशन इस तरह से करोगे, जैसे कि हमें पता है वाई स्क्वायर का वैल्यू है एक्स,
राइट, समझ में आया होगा, आई होप कि आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत इजी पूछा था 1 मार्क्स के लिए, जो कि गेट 2019 मैकेनिकल डिपार्टमेंट को। नाउ हम लोग और भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर डालते जाएंगे। अभी तक मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।